হে পিপ, কেমন আছো তোমরা? সো দোস্তো, আজ হাম বাত করনে ওয়ালে হ্যায় 2021 মে হি নিউলি রিলিজ হুই ইন্ডিয়ান হরর কমেডি মুভি কে বারে মে, জিসকা নাম হ্যায় রুহি। রুহি কো ডাইরেক্ট কিয়া হ্যায় হার্দিক মেহতা নে, এন্ড ইয়ে মুভি ম্যাড ডগ ফিল্মস কে ব্যানার কে নিচে বানি হ্যায়। আব জিনে নেহি পতা, মে উনে বতা দু কি ম্যাড ডগ ফিল্মস ওহি হ্যায় জিনে ইসসে পহলে স্ত্রী ভি বানাই থি, জো কি ইন্ডিয়ান আরবান লেজেন্ড নালেবা চুড়েল পে বেস থি, এন্ড ও মুভি বক্স অফিস মে এক ব্লকবাস্টার সাবিত হুই থি। मोरओवर मैंने स्त्री मूवी के रियल स्टोरी अर्थात नालेबाज चुड़ैल के रियल स्टोरी पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप लोग चाहो तो उसे भी एक बार जरूर देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। खैर, नाउ रूही के मुख्य पात्र में जानवी कपूर, वरुण शर्मा एंड राजकुमार राव है। तो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको रूही मूवी के स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ, वक्त को और जाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है मुजीराबाद के एक छोटे से गांव बागतपुर में, जहां हम दो दोस्त भवरा एंड कटनी को देख पाते हैं, जो वहां एक फॉरेन रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए बागतपुर के एक ओल्ड ट्रेडिशन पकड़ाई शादी के बारे में बताते हैं। इस ट्रेडिशन में उस गांव में जो भी लड़का जिस भी लड़की से प्यार करता, वो उसे किडनैप करवा कर उससे शादी कर लेता। एंड ये पकड़ाई शादी की प्रथा उस गांव में बरसों से चली आ रही थी, जो कि वहां के लोगों के लिए काफी आम बात थी। नाव भबरा एंड कटनी दोनों ही वहाँ के एक लोकल क्राइम न्यूज़पेपर मुजीराबादी जलजला में न्यूज रिपोर्टिंग का काम करते थे, एंड उनका मालिक था गुनिया बॉस। गुनिया बॉस न्यूज़पेपर के अलावा भी पकड़ाई शादी के लिए ब्राइट किडनैपिंग का साइड बिजनेस भी करते थे, एंड उसमें भबरा एंड कटनी भी उसकी मदद करते थे। सो नाव ऐसे ही एक दिन गुनिया बॉस भबरा एंड कटनी को एक लड़की को किडनैप करने के लिए भेजते हैं, जिसका नाम था रूही। बट किडनैपिंग हो जाने के बाद गुनिया बॉस भबरन कटनी को फोन करके ये बताते हैं कि दूल्हा अर्थात जिस लड़के ने रूही को पकड़ने का कांटेक्ट दिया था, उसके अंकल की सडन डेथ हो गई है। सो अब वो शादी उसके अंकल के चौथी होने के बाद ही कर पाएगा, तो तब तक के लिए शादी पोस्टपोन हो चुकी है। सो इसलिए अब गुनिया बॉस उन दोनों को रूही को लेकर उसके अंबियापुर वाले फैक्ट्री में एक हफ्ते रखने को बोलता है, जिस पर भबरन कटनी भी अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए चुपचाप अंबियापुर के लिए निकल जाते हैं। खैर, नाउ यहाँ दूसरी तरफ रूही के पिता अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाने जाते हैं, जहाँ वो पुलिस को रूही की दो तस्वीरें देते हैं, जिसमें से एक में वो बिल्कुल नॉर्मल और मासूम लग रही थी, बट वही दूसरे में बेहद स्कैरी। एंड हेयर वी गेट टू नो कि रूही के अंदर एक चुड़ैल बसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट एक साल पहले जब रूही की शादी हो रही थी, तब एक चुड़ैल ने उसे पोजेस्ट कर लिया था, एंड तब से लेकर आज तक वो चुड़ैल उसके अंदर ही है। दरअसल दोस्तों, इस चुड़ैल को लोग मुड़िया पैरी के नाम से जानते थे, जिसकी नजर हमेशा शादी वाले घरों में होती थी। एंड गलती से भी अगर कोई दूल्हा सो गया तो मुड़िया पैरी चुड़ैल उस दूल्हे के दुल्हन को पोजेस्ट कर लेती थी, बट फॉर व्हाट इंटेंशन, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, नाउ यहाँ दूसरी तरफ अंबियापुर के फैक्ट्री में रात को जब भवरा रूही को खाना देने जाता है, तो वो रूही को छत से उल्टा लटकते हुए देखता है, जहाँ वो काफी डरावनी दिख रही थी। एंड इसलिए भवरा वहां से डर के भाग जाता है, एंड ये सारी बातें कटनी को बताता है। बट जब ये दोनों वापस से रूही को देखने आते हैं, तो वो अब बिल्कुल नॉर्मल एंड मासूम दिख रही थी, जिससे भवरा ये सोचता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। और तो और, उसे धीरे धीरे अब रूही की मासूमियत से प्यार भी हो जाता है। बट नेक्स्ट डे भवरा को अगेन रूही उसी स्कैरी रूप में दिखती है, एंड वो समझ जाता है कि हो ना हो रूही के ऊपर किसी बुरी चीज का साया है। और तो और, आगे कटनी को भी रूही उसी स्कैरी हालत में जंगल में एक जानवर का मांस खाते हुए दिख जाती है, एंड तब उसे भवरा के बातों पे यकीन आता है। बट यहाँ सरप्राइजिंगली कटनी रूही के उस भूतिया रूप को देख के बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा उसे रूही के अंदर के उस चुड़ैल से प्यार हो जाता है। एंड नाउ भवरा एंड कटनी में रूही को लेके लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि भवरा मासूम रूही को प्यार करता था, एंड कटनी उसके अंदर बसे चुड़ैल को। आई मीन सीरियसली, कुछ भी चल रहा है। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग भवरा रूही के अंदर की चुड़ैल को निकालने के लिए एक पनवारी तांत्रिक को लेके आता है, जो जड़ी बूटियों वाली पान खिलाकर लोगों के अंदर से भूत भगाता था। बट यहाँ रूही पे उस पनवारी के पान का कोई भी असर नहीं होता, एंड वो उल्टा उसी पनवारी तांत्रिक पे अटैक कर देती है। नाउ पनवारी तांत्रिक वहां से भागते हुए भवरा को ये बताते हुए जाता है कि ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, बल्कि मुड़िया पैड़ी चुड़ैल है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, शादी करना, एंड इससे पूछा छोड़ाना मुमकिन नहीं।
एंड तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि मुड़िया पेड़ी चुड़ैल भी अब कटनी को पसंद करने लगी थी एंड वही दूसरी तरफ रूही भभरा को लाइक करती थी। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि उस चुड़ैल का नाम मुड़िया पेड़ी इसलिए था क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे एंड मुड़िया पेड़ी अपने मन मुताबिक ही रूही पे हावी हुआ करती थी। वेल नाउ अब आगे भवरा रूही के अंदर से चुड़ैल को निकालने के लिए कई सारे बाबाओं के पास भी जाता है पर कोई भी भवरा की मदद नहीं कर पाता। बट ऐसे ही आगे भवरा की मुलाकात एक बुढ़िया औरत से होती है जिसे मुड़िया पेड़ी चुड़ैल के बारे में सब पता था। वो बुढ़िया बताती है कि पुष नक्षत्र के पूर्णिमा रात को मुड़िया चुड़ैल अपना दूल्हा ढूंढने के लिए निकलती है एंड उस नक्षत्र में जो भी दूल्हा सो जाता है मुड़िया उसके दुल्हन को पोजेस्ट कर लेती है जिसके बाद उसके पास सिर्फ एक साल होता है दूल्हा ढूंढ के शादी करने के लिए। और अगर इस टाइम पीरियड में मुड़िया ने शादी नहीं की तो वो खुद एंड जिसको उसने पोजेस्ट कर रखा है वो दोनों ही मारे जाएंगे। दरअसल दोस्तों कई वर्षों पहले बागतपुर गांव में ही एक अफजा नाम की लड़की की शादी होने वाली थी बट फॉर सम रीजन शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई एंड उसकी शादी का ख्वाब अधूरा रह गया और तब से अफजा मुड़िया पेड़ी चुड़ैल बनके अपना दूल्हा ढूंढ रही है। खैर नाउ यहाँ वो बुढ़िया अब ये बताती है कि अगर भवरा को रूही को चुड़ैल से बचाना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कपट कन्यादान। नाउ कपट कन्यादान में मुड़िया की शादी जिस दूल्हे से होगी वो दूल्हा पहले से ही विवाहित होगा और शादी के बाद जब मुड़िया को पता चलेगा कि वो एक सौतन बन गई है तो वो गुस्से में पोजेस दुल्हन का शरीर छोड़ देगी। बट यहाँ इस बात का रिस्क भी था कि सच्चाई जानने के बाद मुड़िया चुड़ैल अपने पति और अपने सौतन दोनों को ही गुस्से में मार डाले सो इट्स क्वाइट रिस्की। नाउ वो बुढ़िया भवरा को रूही को लेकर चिमट्टीपुर गांव जाने को बोलती है जहाँ उस पूरे गांव का भूत प्रेत भगाने का ही धंधा था। एंड जहाँ तक रही कपट कन्यादान की बात तो भवरा मुड़िया से शादी करने से पहले एक फीमेल डॉग से शादी करने का प्लान करता है ताकि मुड़िया से किसी भी इंसानी जान को रिस्क ना हो। एंड यहाँ हमें लास्टली ये भी पता चलता है कि उस बुढ़िया को भी 40 साल पहले मुड़िया पेरी चुड़ैल ने पोजेस्ट किया था और कपट कन्यादान से उसकी जान बची थी। और तो और आज भी उस बुढ़िया के पैर पूरी तरह से सीधे नहीं हुए थे सो इसलिए ही वो भवरा की मदद कर रही थी। खैर नाउ इसी दौरान गुनिया बॉस भवरा को कॉल करके बताता है कि रूही का दूल्हा फिर से तैयार हो चुका है शादी करने के लिए इसलिए वो जल्दी से रूही को लेके बागतपुर चले आए। बट जो कि भवरा अब रूही से प्यार करने लगा था इसलिए वो उसे साफ इनकार कर देता है। एंड तब गुनिया बॉस रूही को लाने अपने दो गुंडों को अंबियापुर वाले फैक्ट्री में भेजता है जहाँ वो लोग कटनी को पीटने लगते हैं। लेकिन तभी रूही के अंदर की चुड़ैल उन दोनों पे अटैक कर उन्हें घायल कर देती है एंड तभी भवरा भी उधर आता है एंड ये तीनों चिमट्टीपुर गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं। नाउ चिमट्टीपुर पहुंचकर ये लोग होटल में स्टे करते हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग भवरा कटनी को रूही की निगरानी करने के लिए छोड़ एक फीमेल डॉग से शादी करने के लिए चला जाता है ताकि वो रूही अर्थात मुड़िया से कपट कन्यादान कर सके जिससे रूही की जान बच जाए। बट कटनी जिसे भवरे के प्लान का कुछ भी पता नहीं था वो भवरा को दूल्हे के ड्रेस में देख लेता है एंड उसे लगता है कि भवरा उसे बिना बताए चोरी चोरी रूही से शादी करने वाला है। नाव जो कि कटनी रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल से प्यार करता था इसलिए वो अब रूही को जबरदस्ती अपने साथ होटल रूम से ले जाने लगता है। बट रूही एट एनी हाउ उधर के एक मंदिर में छुप जाती है एंड वहाँ एक आदमी को उसे देखकर ये लगता है कि रूही पे किसी आत्मा का साया है इसलिए वो रूही के बाल काटने की कोशिश करता है। बट तभी रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर के भाग जाते हैं। नाव कुतिया से विवाह करने के बाद जैसे ही भवरा चिमट्टीपुर वापस आता है तो वहाँ के सभी लोग उसे मारने लगते हैं क्योंकि चिमट्टीपुर में सारे भूत प्रेतों में से सिर्फ मुड़िया चुड़ैल का ही उधर लाना स्ट्रिक्टली मना था। नाव यहाँ दूसरी तरफ अपने ब्राइड किडनैपिंग के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए गुनिया बॉस अपने घायल आदमियों से पता लगाकर चिमट्टीपुर पहुंच जाता है एंड वो देखता है कि रूही सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी बट मुड़िया चुड़ैल उसे रोक ले रही थी। और तो और आज ही पुष नक्षत्र की पूर्णिमा की रात है एंड रूही को पोजेस्ट किए मुड़िया चुड़ैल को आज एक साल पूरे होने वाले थे विच मीन्स कि आज उनका आखिरी दिन था इफ दे डज नॉट गेट मैरिड। नाव ये जानते हुए भी कि रूही पे चुड़ैल का साया है गुनिया बॉस सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए रूही के अंदर के मुड़िया चुड़ैल को शादी का लालच देता है एंड उसे अपने साथ बागड़पुर लेके चला जाता है। नाव शादी के दौरान गुनिया बॉस रूही के शक्ल को घूंघट से ढक देता है ताकि दूल्हा रूही के चुड़ैल वाली शक्ल को ना देख पाए। बट तभी उधर भवरा एंड कटनी चले आते हैं एंड कटनी मुड़िया चुड़ैल अफजा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। नाव जो कि मुड़िया चुड़ैल अफजा एंड कटनी एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए मुड़िया चुड़ैल अफजा उधर गुनिया बॉस पे अटैक कर देती है एंड उसकी ये स्कैरी फेस देख वहाँ शादी से दूल्हा समेत सभी लोग भाग जाते हैं एंड अब मुड़िया चुड़ैल अफजा एंड कटनी मंडप में शादी करने के लिए बैठते हैं। नाव पंडित रूही के अंदर के चुड़ैल से कटनी की शादी करवा ही रहा होता है
कि तभी वो बुढ़िया औरत उधर उस कुतिया को लेके आती है एंड वो मुड़िया चुड़ैल अफजा से ये झूठ कहती है कि कटनी ऑलरेडी उस कुतिया से मैरिज कर चुका है एंड इफ अब वो अगर कटनी से शादी करती है तो वो एक सौतन बन जाएगी। नाउ जो कि अफजा को एक सौतन बनना गवारा नहीं था एंड अब उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था, इसलिए वो उधर मौजूद अब आखिरी पुरुष भवरा से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। एंड इधर उस बुढ़िया और भवरा का कपट कन्यादान वाला प्लान भी सक्सेसफुल होने लगता है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि कुतिया से शादी कटनी ने नहीं बल्कि भवरा ने की थी एंड अब मुड़िया भवरा से शादी करके एक सौतनी बनने वाली थी। वेल नाउ पंडित भवरा एंड मुड़िया चुड़ैल अफजा की शादी करवाते हुए उनके फेरे करवाने लगता है, बट तभी रूही होश में आ जाती है एंड वो फेरे रोक कर वो अपने अंदर की अफजा से बात करती है, जहाँ ये दोनों किसी मत से शादी करने की वजह आपस में ही शादी करने का विचार करते हैं। दरअसल दोस्तों, रूही शादी करके किसी और की लाइफ हेल नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि अफजा उसके अंदर से कभी निकलने से रही, इसलिए रूही फाइनली सारे पॉजिटिव साइड्स को सोचकर अपने अंदर के अफजा को एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि उसे बेहद पावरफुल बनाती थी एंड शी आल्सो गॉट सम सुपरनैचुरल एबिलिटीज, इसलिए ये दोनों उसी वक्त मंडप में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिससे रूह अफजा एक हो जाते हैं एंड अगले दिन उनकी और मृत्यु भी नहीं होती। नाउ इन द एंड रू अफजा अकेले ही सब कुछ छोड़ अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करने निकल पड़ती है एंड भवरा एंड कटनी दोनों ही बेहद सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका प्यार नहीं मिलता। और तो और तभी उधर सडनली वो बुढ़िया औरत अपने आप ही गायब हो जाती है, जिसे देख भवरा एंड कटनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और मूवी इसी नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नाउ अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना एंड इफ अगर इस चैनल पे आप नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। खैर, नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।